अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चार तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने पत्र लिखा, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा गया है। केलहारी, कोटाडोल, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ में वर्षा का आकलन करने बाबत ये पत्र लिखा गया है। इन तहसीलों में 40% से कम बारिश हुई है। बता दें, पत्र लिखा गया है, सूखा घोषित किया जाए इन इलाकों को, इन तहसीलों को, इस बाबत ये पत्र लिखा गया है, 40% से यहाँ पर कम बारिश दर्ज हुई है। गुलाब कमरों ने पत्र लिखा, आपको बता दें, चार तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा रही है। कोरिया से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक हैं गुलाब कमरो, उन्होंने पत्र लिखा है, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को ये पत्र लिखा गया है। इन तहसीलों में 40% से कम वर्षा हुई है। केलहारी, कोटाडोल, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ में वर्षा का जब आकलन किया गया तो उसमें ये सामने आया कि 40% से कम बारिश दर्ज हुई है, और ऐसे में इस इलाकों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया जाए। चार तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, इसके बाबत पत्र लिखा है कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने। कोरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा गया। छत्तीसगढ़ में कई इलाके ऐसे हैं जहां सूखा ग्रस्त स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, और इसके बावजूद आपको बता दें गुलाब कमरो ने पत्र लिखा, इन तहसीलों में 40% से कम बारिश दर्ज हुई है, और ऐसे में इन इलाकों को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाए, इसकी मांग विधायक ने की। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, लगातार बारिश के आसार बिल्कुल भी अभी नहीं दिख रहे हैं, कई इलाके अभी भी सूखाग्रस्त हैं, और इस बाबत कोरिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर केलहारी, कोटाडोल, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ में वर्षा का जब आकलन किया गया तो ये स्थितियां बनी कि 40% से यहाँ पर कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। ऐसे में विधायक गुलाब कमरो ने पत्र लिखा है राजस्व आपदा प्रबंधन को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरिया से सामने आई है, जहां पर पत्र लिखा गया है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सूखा जो है वो ग्रस्त है। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो जुड़े हैं हमारे साथ, बातचीत उनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलाब जी। सबसे पहले यही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हो रही है और कई इलाके हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि कई इलाकों को हम ऑब्जर्व करेंगे जिसके बाद सूखाग्रस्त घोषित कर दिए जाएंगे। आपने अभी कहा कि चार तहसीलों को सूखाग्रस्त किया जाए, इस बाबत आपने पत्र लिखा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कल ही सचिव से मिलकर मैंने पत्र दिया है कि सोनहत भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत सोनहत ब्लॉक को 40% से कम सूखा दिखाया गया है, उस आकलन के लिए राज्य सरकार ने पत्र जारी किया है। पर मैंने मांग किया है कि सोनहत के अलावा भरतपुर तहसील, केलहारी तहसील और मनेन्द्रगढ़ तहसील जो है वहाँ भी कम बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों का ना ही रोपाई हो पाया है। जमीन देखेंगे पूरी तरह से जो थरहा होता है वो मरने की स्थिति में, जमीन में दरारों आ गई है। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने अवगत कराया है कि जितने भी हमारे जो तहसील है उनको सूखा घोषित कराया जाए और वहाँ पर रोजगार मूलक काम वहाँ पर तत्काल प्रारंभ किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल, तो रोपाई बुआई का ये समय चल रहा है गुलाब जी, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अब क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि हम वो आकलन करेंगे, उन इलाकों को सर्वे भी करवाएंगे जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। माननीय छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे कलेक्टरों को निर्देश किए हैं कि सारे जितने भी अगर फसल की क्षति हुई है उसका हमारे राजस्व के अमला के द्वारा आकलन किया जा रहा है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो इसके बाद छत्तीसगढ़ के जिन जिन तहसील में जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र है उनको सूखा घोषित किया जाएगा। तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और उसके बाद ही स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब जी बातचीत करने के लिए। बता दें कोरिया से खबर, जहाँ चार तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग जो है वो की गई है।